सुबह सुबह बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा जो है डीएलएड का, जो हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, जिसमें सेकंड इयर्स का जो रजिस्ट्रेशन जो है, जो डेट है, वो डेट में कोई बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, इसी को लेकर हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ हम खास बात बताने वाले, इसीलिए ज़रूर अंतिम तक ज़रूर देखें। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट में यह लिखे हैं गए हैं कि हम लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वैसे या तो सर्वर डाउन बता दे रहे हैं या पैसा कट रहे हैं, बट पेमेंट नॉट मेट करके आ रहे हैं। तो सुबह सुबह जो है यह इन्फॉर्मेशन हमको देना बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है अपने एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से लिंक को रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ते हैं इनरोलमेंट नंबर डालकर, और इसके लिए 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक का डेट रखे थे, जिसमें से 7 जुलाई जो है सबसे अंतिम, जो कि आज 7 जुलाई है। आज भर आपके पास समय है कि आप अपना एडमिशन फॉर्म को यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लें। लेकिन फिर भी अगर कोई कोई ऐसे है कि भरने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश पैसा में फंस जा रहे हैं, या कहीं बीच में जाके अटक जा रहे हैं, सर्वर एरर करके इस तरह से करके मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी नहीं भर पाए, तो मे भी शाम तक कोई आपके पास ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि कुछ डेट जो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। बट अभी तक अगर हम बात करते हैं अभी तक, तो एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का कोई अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए हैं कि आपका डेट को एक्सटेंड कर दिए गए हैं या नहीं किए हैं। बट मुझे आशा है कि आप सभी का डेट को कुछ दिन के लिए और ज़रूर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि डेट को एक्सटेंड किए जाए और कितने लोग नहीं चाहते हैं कि डेट को एक्सटेंड नहीं किए जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ और भी कमेंट थे कि बहुत सारे लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, और वे बोल रहे हैं क्या मैं सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाएं या ना करवाएं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दिए चाहे नहीं दिए वो अलग एक मैटर होते हैं, और यहाँ पर सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन का अलग बात है। इसीलिए आप सभी को दिए हैं एग्जामिनेशन चाहे नहीं दिए, आप सभी को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी अभी शाम तक आपके पास समय है, आप शाम से पहले पहले अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर इसको कंप्लीट रजिस्टर जरूर कर ले, क्योंकि हो सकते हैं कि ना ही बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे यहाँ पर बात लिखी गई है द्वितीय वर्ष का प्रवेश 7 जुलाई 2018 की अंतिम तिथि के बाद फिर से नहीं खुलेगा। यहाँ पर साफ साफ एनआईएस ने पहले ही बोल दिएगी, फिर भी जो है एनआईएस का अक्सर साइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से ज्वाइनिंग लिए हैं तब से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एनआईएस को करके बहुत पछता भी रहे हैं, बहुत सारे लोग खुशी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज़ों को सामना करना पड़ रहा, बहुत सारे जो दिक्कतों का, तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब जब एडमिशन करवा लिए तो किसी तरह से तो कम्प्लीट तो करना ही पड़ेंगे ना। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास थोड़ी सी भी समय है और आप अपना अपना करियर को लेकर चिंतित है, तो आप अपना जरूर आप अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं सेकंड ईयर के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा, और कितने लोगों के पास सर्वर एरर आ रहा है, कितने लोगों के सर्वर एरर नहीं आ रहा है, कमेंट लिख कर जरूर बताएं। कितने लोगों ने अभी तक अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कितने लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ऐसी एक वीडियो बनाने के लिए सबसे खास तरीका है कि उन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो अभी भी अपने मन पर डाउट है, क्वेश्चन है कि हम फॉर्म को अप्लाई करें या ना अप्लाई करें सेकेंड ईयर में, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर में बहुत सारा जो है दिक्कतें हैं, हम क्या करें क्या ना करें। तो आई होप इस वीडियो से पूरा का पूरा जो है क्लियर हो चुके होंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जितना जल्दी हो सके आप अभी से अभी जाइए अपने साइबर कैफे में, मोबाइल में, जहां भी जाना है, जैसे भी करना है, अपना ए टी एम से पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग से पेमेंट करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सेकेंड ईयर में, आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ।